संहिता उल्लंघन मामले में पटना हाईकोर्ट से मिली राहत। जी हां, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने निचली अदालत ने उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है। जी हां, कार्रवाई पर तो रोक लगाई ही है, साथ ही राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। जी हां, ये आदेश राज्य सरकार को दी गई है कोर्ट की तरफ से। बता दें कि जस्टिस राजीव राय ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वैसे ओवैसी के वकील राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि उड़न दस्ता दंडाधिकारी, ने 22 अक्टूबर 2015 को पूर्णिया के 82 थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया कि बगैर पूर्व अनुमति के असदुद्दीन ओवैसी लाउड स्पीकर से भीड़ जमा कर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में भाषण कर रहे थे। उनका कहना था कि जिस धारा में केस दर्ज की गई है, निचली अदालत ने जिस धारा में संज्ञान लिया है, वह सही कानूनी रूप से सही नहीं। इसके बाद कोर्ट ने उनकी दलील को फिलहाल मंजूर करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय है। वहीं बिहार के सीमांचल इलाके में अच्छी पकड़ बना रखी है। गौरतलब है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी AIMIM 5 विधानसभा सीटें जीतने में जरूर सफल रही थी। इसके अलावा ओवैसी के उम्मीदवार कई सीटों पर रिजल्ट को भी प्रभावित करते हैं। हाल ही में गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव 2023 में भी राजद की हार का कारण ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार ही बताया जा रहा है। रिहा जो राजद की हार हुई उसमें ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं अगर ताजा प्रकरण की बात करें तो ओवैसी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि अब कौन IAS गरीब के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई से गलत संदेश जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि आज IAS अधिकारी जी कृष्णैया को दोबारा हत्या हो रही है। उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि नीतीश सरकार की ऐसी क्या मजबूरी कि सरकार को एक हत्या के दोषी को रिहा करना पड़ा। इस तरह ओवैसी का नीतीश सरकार के खिलाफ हमला जारी है। वहीं अब उन्हें कोर्ट से भी राहत मिल गई है। खैर, रिपोर्ट ये इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।